हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सबानना स्ट्रीम। सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं अगेन आप लोगों के लिए एक ड्रेस का रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि है मीशो से। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा है, और वेयर करके भी दिखाऊंगी इसकी क्वालिटी के साथ। तो ये ब्लैक कलर का मैंने लिया है। इसको ना मैं जब भी मीशो से कोई भी सामान मंगवाती थी तो मैंने इसको बहुत ज्यादा अपने मतलब देखा था मैंने, तो सोचा एक बार मंगवाया जाए। तो ये है वो सूट, आप देख सकते हो, सिंपल सा है बट बहुत ही अच्छा धागे का वर्क किया हुआ है इसमें, मशीन का धागा। और ये दुपट्टा जो है इस पे भी काफी अच्छा धागे का वर्क, मतलब पूरे में वर्क है। और बस जो पजामा है वो सिंपल है, जॉर्जेट का है और सिंपल है। तो इसको मैं ना आपको पहन के पूरा दिख। सो गाइस, ये मेरा ड्रेस अप डन है, काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है। मैं आपको ना इधर एक वीडियो डाल दूंगी जहाँ पे मैंने फुल ड्रेस अप आपको दिखाया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर से चेकआउट करना। और हाँ, मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस आती रहेगी। और रहा बात इसके दुपट्टा का, जो इतना प्यारा है ना, इसमें जो वर्क है ऊपर से, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, ना आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, तो मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा। सो गाइज, आपने फुल वीडियो देख लिया होगा, तो मैं बता दूँ ये वर्क जो है इतना तक है, जितना मतलब सही ये कैमरा में दिख रहा है उतना सही, मतलब आप ऐसे देखोगे तो नहीं लगेगा, बट पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी है। और इस पे ये हाथ पे भी धागे का वर्क है, काफ़ी अच्छा है, सही है, अंडर 1000 रुपीज़ में। अगर आपको पसंद हो, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो। और ये जो आप इयर रिंग देख रहे हो, ये भी मैंने मीशो से ही लिया है, तो इसकी भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करना। मेरी जितनी भी कलेक्शन है सबकी लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर से सबको चेकआउट करना। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए जेन्युइन वीडियो लेके आती रहूँ, कोई फेक नहीं। क्योंकि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका रिव्यू अच्छा बताऊंगी, जो खराब लगेगा उसका खराब।